एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर राज्य शासन ने एक्सप्रेस वे में मरम्मत कार्य पर रोक लगा दी है। बरसात तक ये काम नहीं होगा। सड़क पर हुई गड़बड़ी को लेकर यह निर्णय लिया गया है और साथ में आगे बारिश में क्या चीज उजागर होगी इसको देखा जाएगा, जिससे आगे की जांच की जा सके, इसलिए मरम्मत पर रोक लगा दी गई है। अक्टूबर में जांच के बाद नए सिरे से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा और उसके बाद ही एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कर इसे पूरी तरह से खोला जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, और हमारे साथ लगातार रायपुर से हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। जिस तरह देखा जाए हेमंत, के स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो एक्सप्रेस वे है वहां की सड़क धंस रही है, जिसके कारण कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी लगी थी और अब ऐसा निर्णय लिया गया है कि उसकी जांच की जाएगी, इसलिए उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर भी? देखिए सर, एक्सप्रेस वे उखड़ने के बाद इसमें जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं तामसी साहू, उन्होंने जांच का टीम का ऐलान यहाँ पर किया था, लेकिन उस जांच टीम को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। तो उसी के चलते अब राज्य शासन ने जहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अफसरों की ये राय थी क्योंकि बारिश की वजह से जो रोड है वो और काफी खराब हो सकता है, तो इसमें कई तरह की खामियां निकल कर सामने आएंगी और जांच में ये कड़ी जुड़ सकती है, तो इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। अब इसमें पूरा मामले को देखा जाए तो अक्टूबर के बाद ही अब ये इसका शुभारंभ हो सकता है। अक्टूबर तक इसमें जांच चलेगी, क्योंकि अभी अभी जांच टीम का गठन किया गया है, स्वतंत्र एजेंसी को इसका जिम्मा सौंपा गया है। पहली बार ऐसा इसमें हुआ है कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनको जांच में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो दूसरे विभाग के लोग हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर खुलकर सामने आएंगे। पिछली सरकार में एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो कराया गया था, इस तरीके से लगातार इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ भी नहीं हो रहा था। भाजपा के जो तमाम नेता है वो सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन पहले वहां पर एक रोड और उसकी वजह वहां पर जो रोड उखड़ना है वो बताई जाती है, उसके बाद आनंद फानन में उस रोड को ढका जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें अब जांच का ऐलान किया जाता है। यदि एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ऐसा भी माना जा रहा है कि वो हर रोज जो उसके धसने की प्रोसेस है वो लगातार और गिरती जा रही है, वो जिस जिस दिन आगे बढ़ता है वो और धसते जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये इसके चलते कि वहां पर आवागमन रोक दिया गया है और जांच को लेकर क्या कुछ वहां पर अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जब रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ही वहां पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वहां पर मरम्मत का कार्य उसी दिन से चालू हो गया था, लेकिन अब राज्य शासन ने मरम्मत के कार्य पर रोक लगाई है, क्योंकि अभी लगातार बारिश का दौर राजधानी रायपुर में जारी है और ऐसे में वहां पर जो भ्रष्टाचार की परत है वो खुलकर सामने आ सकती है, तो इसीलिए शासन ने ये रोक लगाई है। और एक तरीके से ये तर्क दिया गया है कि जो जांच है की कड़ी है वो इसमें जुट सकती है, क्योंकि जैसे जैसे रोड खराब होगा वैसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कलाई खुलती सामने आएगी, तो इसी के चलते यहाँ पर मरम्मत पर रोक लगाई गई है। और एक्सप्रेस वे का हमने खुद वहां पर मुआयना किया था सरज, काफी घटिया निर्माण वहां पर किया गया था, हाथ से उखाड़ने से वो जो सड़क है वो उखड़ जा रही थी, तो जिस तरीके से पिछले सरकार में सब चीजें हो गई थी, अब जांच का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, जांच चल रही है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या लगता है, जिस तरह ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार है, हम बात करें बीजेपी सरकार की बात करें, तो उनसे जो सरकार से जुड़े लोगों ने निर्माण कंपनी पर अगस्त तक सड़क पूरी करने का दबाव बनाया गया था और उसके बाद आनंद फानन में सड़क को जल्दी ही बनाया गया और ये भी मानना था कि आचार संहिता के पहले वो सड़क बनकर तैयार हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक खामी तो नहीं है जिसके कारण जो सड़क का निर्माण कार्य है वो बहुत घटिया स्तर का हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब पिछली सरकार के दौरान एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था तो वहां पर जो देवेंद्र नगर कॉलोनी वासी हैं उन्होंने जमकर यहां पर विरोध किया था, क्योंकि जब निर्माण हो रहा था तो जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने एक्सप्रेसवे का जो दायरा है वो बढ़ा दिया था,
उस बढ़ाने की वजह से जो कॉलोनी में आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से कॉलोनी वासी लगातार वहां पर आई आरोप लगाते रहे कि जल्दबाजी में निर्माण कराया जा रहा है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पर रहते हैं, उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग की थी कि इसे घटिया स्तर की जो सड़क है वो ना बनाया जाए और बेहतर जो एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए, लेकिन आनन फानन और जल्दबाजी में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया क्योंकि पिछली सरकार को डर क्या था इस बात का अभी तक जो कारण है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटिया स्तर की वहां पर जो सड़क है एक्सप्रेसवे है वो बनाई गई थी और उसी के चलते जो भ्रष्टाचार की परत है वो निकल कर सामने आई है। हालांकि अब जांच चल रही है, जांच जी, में काफी कुछ निकल कर सामने आएगा और जो लेकिन पीडब्ल्यूडी के हेमंत, एक सवाल अधिकारी बड़ा ये उठता है कि जो अफसरों का कहना था, उनका ये भी कहना है कि सड़क शुरू होने के बाद से 5 साल तक की गारंटी कंपनी की रहती है, तो 5 साल तो छोड़ो, 5 महीने भी नहीं, कुछ 5 हफ्ते के भीतर ही सड़क जर्जर स्थिति में बदल गई, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अब? देखिए इसीलिए स्वतंत्र जांच एजेंसी को इसका जिम्मा सौंपा गया है और पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जो जांच टीम है वो कार्रवाई इसमें कर रही है। अगर कुछ दिन अक्टूबर तक जो जांच है वो चलेगी, अक्टूबर के बाद कई अधिकारियों पर राज गिरनी तय है। इसके अलावा जिस तरीके से जो विधायक है विकास उपाध्याय और कांग्रेस के कुछ तमाम नेता हैं उन्होंने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी राजेश मूढ़त थे, उनके जी ही दिशा निर्देश में ये पूरा कार्य हुआ था। तो अब नीचे आप जांच जब तक जांच नहीं होती तब तक अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जांच के बाद निश्चित तौर पर मंत्रियों मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं राजेश मूणत उन तक भी आज निश्चित तौर पर आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यानी कि स्टेशन से सदाड़ी दरबार तक बनाए गए एक्सप्रेस वे के निर्माण में हुई गड़बड़ी और उसकी मॉनिटरिंग में सरकारी अमले की जबरदस्त लापरवाही की परतें अब उधड़ने लगी है और इसको लेकर अब एक स्पेशल कमेटी बन गई है और उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने की तैयारी की जा रही है।